बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज के सेशन में बेसिकली हम दोबारा से डिस्कस करेंगे 35x55 के घर के प्रोजेक्ट के ऊपर। और इसमें मैं आपको ना कुछ मल्टीपल इसके ना प्रपोजल्स दिखाऊंगा कि हमने क्लाइंट के लिए मुख्तलिफ प्रपोजल बनाए थे, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। इसके ऊपर वैसे काम कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब जो पहला प्रपोजल आपके सामने है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर इसका ड्राइव है, यानी कि मेन गेट है, बराबर में विकेट गेट है, और यहाँ पर इसका आपको नजर आ रहा होगा पोर्च है, दो गाड़ियों का पोर्च है, ठीक है। और आगे एक छोटा सा लॉन आपको नजर आ रहा है बेसिकली, जो 5 फीट का है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये थोड़ा सा कर्व के अंदर है। अच्छा, अब यहां पर आप देखें तो ये है हमारे पास ड्राइंग रूम, ठीक है, जो कि आगे से इसकी जो वॉल होगी एलिवेशन को खूबसूरत करने के लिए वो हमने बनाई है कर्व के अंदर, ठीक है, यानी कि उसके अंदर एक आपको रेडियस नजर आएगा। अच्छा, अब उस जो ड्राइंग रूम है उसका जो साइज है वो 15x12 है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप डोर देख सकते हैं, यहां से भी दरवाजा है, ठीक है, ये मेन एंट्रेंस है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको ताकि बेहतर समझ आए। और यहां पर हमारे पास आ गया स्टेयर का एरिया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया स्टेयर डाइनिंग एरिया। बेसिकली यहां से जैसे हम हाइट में जाते जाएंगे तो तकरीबन यहाँ ह्यूमन हाइट के बाद यहां पर आगे कट आ जाएगा बेसिकली स्टेयर का, ठीक है। तो इसके नीचे जगह सारी बच जाएगी, वहां पर हमारा एक छोटा डाइनिंग यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा आसानी के साथ। अगर आप करना चाहें तो ये ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर लॉबी है, छोटी छोटी सी लॉबी है, ठीक है, सर्विंग के लिए ये लॉबी है। यहाँ पर बेसिकली ये बात भी है, बात कॉमन रखा गया है, ठीक है। यहाँ से भी ह्यूमन ट्रैफिक चलेगी, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि चलेगी, ठीक है, और यहाँ से भी चलेगी। तो ये मल्टीपल टास्क यहाँ पर परफॉर्म होंगे। और पीछे एक ओपन एरिया यहाँ पर रखा गया है जो कि बाद की वेंटिलेशन के लिए। नेक्स्ट अगर देखें तो ये हमारे पास बेडरूम 1 है 15x11 का, ये लोग भी यही बात इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी में। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चले गए तो ये हमारे पास आ गया लिविंग एरिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई डोर वगैरह नहीं होगा, यहाँ पर बेसिकली एक यूँ कह सकते हैं कि बीम आपका आएगा, डोर वगैरह नहीं होगा। नीचे आप एक आर्च भी बना सकते हैं वैसे खूबसूरती के लिए, ठीक है। ये लिविंग आ गया आपका, ठीक है। लिविंग के बाद पीछे बिल्कुल देखिए तो यहाँ पर आपका किचन आ गया 8x8x9 का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लॉन्ड्री आ गई आपकी, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका दूसरा बेडरूम आ गया, ठीक है, 15x12 का, इसके साथ भी कनेक्टेड है ये बात। अच्छा, अब मैं आपको इसके दूसरे ऑप्शन पे ले चलता हूँ, यहाँ पर ये देखें। तो अब की दफा हम लोगों ने क्या किया, अब की दफा हम लोगों ने ये किया कि हम लिविंग को बिल्कुल आगे स्ट्रेट ले आए, ठीक है, यहाँ से भी विंडो और यहाँ पर भी विंडो देकर इसको मजीद यानी कि लाइट प्रोवाइड की गई। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो स्टेयर्स हैं वो इस तरीके से ऐसे ऊपर जा रही हैं, और बिल्कुल वही यहाँ से उसकी प्लेसमेंट चेंज कर दी गई। पीछे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास ओपन एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली प्लांटिंग भी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद सेम दोनों रूम यहाँ पर आ गए, किचन यहाँ पर आ गया, तो ये कुछ चेंजिंग के साथ भी हम लोगों ने उन्हें दिया था। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो स्टेयर्स की जो टाइप है वो पूरी की पूरी तब्दील कर दी गई है। किचन का एरिया भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब की बार किचन यहाँ से यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, यानी कि ऐसे ट्रैफिक चलेगी ऐसे, और यहाँ से फिर ऐसे ट्रैफिक चलेगी, ठीक है। और अगर आप लोग देखें तो ये तकरीबन बिल्कुल प्राइवेसी के अंदर ही है दोनों रूम के डोर्स भी, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपके साथ इसका एक और भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ जाते जाते यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब की बार आप अगर देखें तो यहाँ पर यू शेप के अंदर स्टेयर्स आ गई, और यहाँ पर यू शेप में स्टेयर्स हैं लेकिन ये राउंडेड नहीं है। और वैसे आप देखें तो पीछे ओपन एरिया यहाँ पर, और ये गली का एरिया, ठीक है, तो ये आ गया। अब की बार यहाँ पर देखें तो ड्राइंग रूम के साथ कनेक्टेड कर दिया गया एक हैंड वॉश का एरिया, और यहाँ पर बेसिकली बात भी आ गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज करके दिया है। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोजेक्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, बेसिकली वो पेड सर्विस होती है, अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।